जी न्यूमेरिकल करांगे सी नॉर्टन थ्योरम दा। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम दे नाल असी कैलकुलेट करना 72 वोल्ट दी बैटरी दित्ती हुई है, 6 ओम दी रेजिस्टेंस है, 12 ओम दी रेजिस्टेंस है, 8 ओम दी रेजिस्टेंस है। तां असी नॉर्टन थ्योरम दे नाल करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस असी की है कैलकुलेट करना। इहदे लई की करांगे असी, सारे नूं पहला स्टैप की है, जिहड़ी 10 ओम दी रेजिस्टेंस है उहनूं असी रिमूव कर देंगे। तां इह नॉर्टन थ्योरम की कहिंदी है, आ जिहड़ा पिछे सर्कट रह गया, दिस कैन बी रीप्लेस्ड बाय एन इक्वलेंट सर्कट कंसिस्टिंग ए रेजिस्टेंस ए नॉर्टन करंट आई एन इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर एन। सो दिस टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रीप्लेस्ड बाय एन इक्वलेंट सर्कट कंसिस्टिंग ऑफ करंट सोर्स आई एन इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर एन। सो असी आई एन ते आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करने लई तुसीं की करना है, आई एन की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उहदे लई की करना तुसीं इस टर्मीनल नूं की कर देना, शॉर्ट कर देना। जिहड़ा इत्थों करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू यूअर आई एन, द वैल्यू ऑफ आई एन। सो आई एन असीं कैलकुलेट करना, तां असी की करिए इत्थों टोटल करंट कैलकुलेट कर लिए किन्ना फ्लो कर रहा है। टोटल करंट किन्ना होएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, 8 ते 12 ओम दी रेजिस्टेंस दोनों कादे च है, पैरेलल च है, 8 ते 12 ओम रेजिस्टेंस आ रहे हैं पैरेलल, तो इन्हां दा की बन जाएगा आर 8 ते 12 ओम दा बन जाएगा 8 इंटू 12 ओवर 8 प्लस 12। ये बाद दे विच किहदे सीरीज़ किहदे विच है, 6 ओम दी रेजिस्टेंस दे सीरीज है, 6 प्लस 8 इंटू 12 ओवर 8 प्लस 12। सो दिस इज़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 6, यह गया 96 बाय 20, यह गया 6, यह हो गया 10, इतने आ गया 48, 4.8, यह गया 10.8 ओम। आर इक्वलेंट कि आ गई 10.8 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा इतों, आई टोटल, आई टोटल विल बी इक्वल टू टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी है 72 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्वल रेजिस्टेंस 10.8। द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज 6.66 एम्पीयर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नॉर्टन करंट आई एन। नॉर्टन करंट कितना होएगा, असी इत्थे की लगावांगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि इत्थे करंट कितना फ्लो कर रहा है 6.66 एम्पीयर, तां 8 ओम दी रेजिस्टेंस चों किहड़ा करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्टन करंट फ्लो कर रहा है आई एन। असी आई एन दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई एन की होएगा दूजी रेजिस्टेंस लैनी है 12 डिवाइडेड बाय इन्हां दोनों दा सम जिहदे विच डिवाइड हो रहा करंट 12 प्लस 8 इंटू पिछों करंट कितना आ रहा है 6.66। सो इट इज़ इक्वल टू 12 बाय 20 इंटू 6.66। सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। ये कितना करंट आ जाएगा जे असी कैलकुलेट करांगे कितना आ जाएगा 4 एम्पीयर। तां असी आई एन कैलकुलेट कर लिया, आई एन दी वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पीयर नॉर्टन करंट। दैन वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जिन्हें भी सर्कट के वोल्टेज सोर्स ते करंट सोर्स लगे है, वोल्टेज सोर्स नू की कर देना शॉर्ट सर्कट कर देना, ते करंट सोर्स नू की कर देना ओपन सर्कट कर देना। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इत्थे जिहड़ी रेजिस्टेंस होएगी
एस टर्मीनल ते जिहड़ी रजिस्टेंस होएगी दैट इज यूअर नॉर्टन रजिस्टेंस आर एन। असी ये कैलकुलेट करनी है नॉर्टन रजिस्टेंस। ये जिहड़ा वोल्टेज सोर्स है इहनू की कर दिओ शॉर्ट कर दिओ, वोल्टेज सोर्स नूं शॉर्ट करता, ठीक है। तो इत्थे असी रजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, नॉर्टन रजिस्टेंस है दोनों कहदे च आ गए पैरलल च, 6 × 12 बटा 6 × 12 बाद दे विच कहदे च हो गए सीरीज 8 ओम दे, तां इह तुहाडी आ गई नॉर्टन रजिस्टेंस आर एन। ये आ गई 72/18+8, ये हो गया 4+8=2 किन्नी आ गई 12 ओम। किन्नी रजिस्टेंस आ गई तुहाडी 12 ओम, ये नॉर्टन रजिस्टेंस आ गई 12 ओम, ठीक है। हुण जिहड़ी असी रजिस्टेंस इत्थे रिमूव कीती सी ओह किन्नी सीगी 10 ओम दी, 10 ओम दी रजिस्टेंस इत्थे असी ओह लियाओ तुसीं 10 ओम दी रजिस्टेंस, ये आ गई तुहाडी 10 ओम दी रजिस्टेंस। इहदे चों असी करंट फ्लोइंग कैलकुलेट करना, आई एल लोड करंट कैलकुलेट करना। इहदे चों पिछे तो करंट किन्ना आ रहा 4 एम्पीयर दा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा, ये करंट कढ़ना 10 ओम दे विचों तो दूसरी रजिस्टेंस लवेंगे असी 12 ओम बटा दोनों का सम 12+10 × पिछे तो करंट किन्ना आ रहा 4 एम्पीयर दैट विल बी इक्वल टू यूअर लोड करंट। सो 12/22 × 4 तो ये वैल्यू किन्नी आ जाएगी आई एल दी 2.18 एम्पीयर। तो असी नॉर्टन थ्योरम के नाल 10 ओम की रजिस्टेंस के विचों की कैलकुलेट कर लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया। नैक्सट नुमेरिकल हैगा साडा कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम के नाल असी 2 ओम की रजिस्टेंस है ये करंट कैलकुलेट करना। ये 6 वोल्टेज का सोर्स है, 1 ओम की रजिस्टेंस है, 1 ओम की रजिस्टेंस है, 2 ओम की रजिस्टेंस है, एंड आई थिंक इट इज़ द 12 वोल्ट। दिस इज द 12 वोल्ट रजिस्टेंस बैटरी माइनस प्लस, दिस इज द 6 वोल्ट माइनस प्लस बैटरी। सो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टेंस। जिहड़ी रजिस्टेंस चों असी करंट कैलकुलेट करना वो आई एल असी करांगे। आई एल उस रजिस्टेंस नूं असी की कर देना रिमूव कर देना, उस रजिस्टेंस नूं की कर देना रिमूव कर देना। तो जिहड़ा यह तुहाडा सर्कट आ गया रिमेनिंग 2 टर्मिनल नैटवर्क, तो नॉर्टन थ्योरम की कहती है इट कैन बी रीप्लेसड बाय ए करंट सोर्स, इट कैन बी रीप्लेसड बाय ए करंट सोर्स इन पैरल विद रजिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड नॉर्टन रजिस्टेंस। एंड द रिमूवड वोल्टेज जिहड़ी वोल्ट जिहड़ी असी रजिस्टेंस रिमूव की सी वह किन्नी सी तुहाडी 2 ओम, उहदे च असी आई एल कैलकुलेट करना। ये तो नॉर्टन थ्योरम की कहती है एनी 2 टर्मिनल नैटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी रीप्लेसड बाय एन इक्वलेंट सर्कट कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स इन पैरल विद रजिस्टेंस। सो असी आई एन ते आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करने लई फिर असी की करांगे, जिथों तुसी रजिस्टेंस रिमूव कीती है उहनू की कर दोगे शॉर्ट सर्कट कर दोगे। इतों जिहड़ा इत्थे करंट फ्लो करेगा दैट इज़ यूअर आई एन नॉर्टन करंट, ठीक है। इत्थे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ यूअर नॉर्टन करंट। मान लो इत्थे करंट फ्लो कर रहा तुहाडा आई, करंट फ्लो करे, ठीक है। तो आई करंट असी इत्थे फ्लो हो गया तो इधर किन्ना जा रहा तुहाडा आई एन, तो इधर किन्ना करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा तुहाडा आई माइनस आई एन, ठीक है। आई माइनस आई एन करंट इधर जाएगा तो वापस इत्थे आ जाएगा। असी इत्थे अप्लाई करांगे तुहाडा केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज ला, ठीक है। माइनस 2+ की हो गया 12+ हो गया। इधर असी जड़ी डायरेक्शन से असी मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के विच की है करंट मूव कर रहा है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो सेम है
मीनस रजिस्टेंस की वैल्यू कि वन इंटू करंट कि आई इक्वल टू जीरो। सो आई इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। सो आई इज इक्वल टू ट्वेल्व एम्पीयर। सो आई इज इक्वल टू ट्वेल्व एम्पीयर। दिस इज द आई इज इक्वल टू ट्वेल्व एम्पीयर। नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू, इफ वी अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हेयर, सो आई माइनस आई एन ये सेम डायरेक्शन दे विच है तां इनू माइनस वन दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, प्लस टू माइनस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दे। सो ये हो गया तुहाडा माइनस आई प्लस आई एन इज इक्वल टू सिक्स। दैन आई एन इज इक्वल टू कितना हो गया सिक्स प्लस आई। द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ट्वेल्व, सिक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू, सो आई एन इज इक्वल टू कितना आ गया ट्वेल्व एम्पीयर। कितना करंट आ गया आई एन की वैल्यू ट्वेल्व एम्पीयर। असी कैलकुलेट कर ली ट्वेल्व एम्पीयर आई एन। नाउ सेकेंड स्टेप इज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट आर एन। आर एन कैलकुलेट करने लिए की करना है असी, ये दोबारा देख लो सारे नो। पहला असी इतों करंट मान लो असी फ्लो कर रहे आई, ये करंट कि फ्लो कर रहा आई एन, तो इधर कि करंट फ्लो करेगा, इधरों आई आ रहा इधर आई एन चला गया, तो इधर कि जाएगा आई माइनस आई एन। ठीक है, तो असी दो क्वेश्चन बना लेंगे, के वी एल ला के किरचॉफ्स वोल्टेज ला लाया माइनस टू प्लस कि हो गया प्लस, इस डायरेक्शन असी मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन करंट है तो नैगेटिव माइनस वन इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। इतों आई की वैल्यू कि आ गई ट्वेल्व। फिर इस लूप से लावे असी, ये तो करंट ही है, इतने वोल्टेज है माइनस वन क्योंकि सेम डायरेक्शन के होने करके माइनस आई माइनस आई एन माइनस प्लस टू माइनस कि हो गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इतों आई एन की वैल्यू असी कैलकुलेट कर ली, आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी कर ली असी ट्वेल्व एम्पीयर। तो नाओ हूँ असी कैलकुलेट करनी है आर एन की वैल्यू। आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करने लई जिहड़ी इत्थे रजिस्टेंस हुंदी है जिथों तुसीं लोड नूं रिमूव किया आर एल नूं, इत्थे जिहड़ी रजिस्टेंस होएगी दैट इज़ यूअर आर एन, नॉर्टन रजिस्टेंस और थैवनन रजिस्टेंस। आर एन कैलकुलेट करने लई तुसीं की करोगे, वोल्टेज सोर्स नूं की कर दोगे शॉर्ट सर्कट कर दोगे। ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी शॉर्ट सर्कट हो गया। ठीक है, तो इतने असी आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर एन की है, ये वन दे वन ओम दो रजिस्टेंस है, दोनों कहदे च पैरल च, तो आर एन की वैल्यू कि आजगी वन इंटू वन ओवर वन प्लस वन इज इकल टू वन बाय टू इज इकल टू जीरो पॉइंट फाइव ओम। तो आर एन की वैल्यू कि आ गई जीरो पॉइंट फाइव ओम। असी आई एल कैलकुलेट करना है, इतों करंट कि आ रहा ट्वेल्व सिक्स प्लस ट्वेल्व कि एटीन एम्पीयर। आई एन की वैल्यू कि एटीन एम्पीयर, एटीन एम्पीयर इतों आ रहा दो रजिस्टेंस के डिवाइड हो गया। करंट फ्लोइंग थ्रू टू ओम रजिस्टेंस कढ़ना, इतने करंट डिवाइडर रूल लाओ, तो आई एल कि होगा जिहड़ी रजिस्टेंस दे विचों करंट कढ़ना है दूसरी रजिस्टेंस लैनी है, दूसरी रजिस्टेंस कि जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टेंस का सम जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू इंटू पिछे तो करंट कि आ रहा है एटीन एम्पीयर। कि करंट आ रहा पिछे तो एटीन एम्पीयर, तो यदि वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेट करा जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव इंटू एटीन क्या गया थ्री पॉइंट सिक्स एम्पीयर का करंट आ जाएगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द टू ओम रजिस्टेंस विल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स एम्पीयर।